बेसिकली ये एक सीरीज एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दुनिया में बिल्कुल अकेली है. शी बीइंग एन ऑफन, शी वाज रेज्ड एज एन ऑफन. 10 साल की थी जब उसके माँ बाप गुजर गए और मौसी के यहाँ पली बड़ी, और उस बात को 15 साल हो गए. एंड आगे चल के उसे एक ऐसा लड़का मिला जो बहुत अच्छा सपोर्ट बना उसका, पर चूंकि उसका ट्रांसफर हो चुका इस सिटी में, नाउ शी इज फीलिंग वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक एंड लोनली इन दिस फास्ट पेस्ड सिटी. और उसकी वजह से क्या एक प्रॉब्लम डेवलप होती है उसके अंदर, ये कहानी उस बारे में. ये मेरी अपकमिंग वेब सीरीज है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस सब्जेक्ट को लेके. फीमेल ओरिएंटेड है, हम चार लड़कियों की कहानी है और काफ़ी अच्छी है. और प्रकाश रामचंदानी जी जो मेरे डायरेक्टर हैं, प्रेमलता शाह जी जो हमारी प्रोड्यूसर साहिबा हैं, इनके साथ में काम करके भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. लास्ट टाइम भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था लेकिन उस टाइम मैं कहीं काम में बिजी थी तो मैं इनको ज्वाइन नहीं कर पाई तो ये मौका इस बार मैंने छोड़ा नहीं और कंटिन्यू हम साथ में काम करते रहेंगे. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये मेरी अपकमिंग जो वेब सीरीज आ रही है तो आप सब उनको देखिए, उसको प्लीज़ प्रमोट कीजिए. मेरा जो किरदार है मैं आपको वो भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहती हूँ. मैं खुद कर दूंगा. बेसिकली जैसे मैंने कहा कि एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक ऑर्फन है, चार लड़कियाँ, वो एक छोटी सी लड़की है, इनका किरदार उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये खुद एक ऑर्फन रह चुकी है और उसको ग्रूम करने में किस तरह हेल्प करती हैं, उसको उसके उसके प्रॉब्लम से निकालने में, इस किस्म का इनका किरदार बनता है. एंड जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो पहले प्रोजेक्ट ये नहीं कर पाई अपनी बिजी स्केड्यूल की वजह से, मैं उनके उस बारे में बता दूं, प्रेमा जी और हमने साथ में बनाया था, दैट वॉज कॉल्ड दैट स्ट्रेंजर इन द मिरर. एंड कमाल की बात है कि मेरे जो लीड मैन है इसमें मोहित जैन, वो भी नहीं कर पाए थे उस प्रोजेक्ट को क्योंकि वो भी बिजी थे, तो लकीली मुझे दोबारा मिल गए इसमें. एंड वो प्रोजेक्ट नॉमिनेट हुआ था गोवा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए. एंड इस बार आई मीन वो काफ़ी पिच किया जा रहा है काफ़ी जगह, विगरसली हम लोग पिच कर रहे हैं उसको काफ़ी जगह. एंड होपफुली वो भी वेब सीरीज जल्दी आएगी. एंड बाकी रही आज की शूट की, तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट शूट हमने किया. लोकेशन जंप्स इतने थे इस शूट में बट ऊपर वाले की दया से हो. एक्चुअली मैं उड़ान में प्रकाश जी से मिली थी एज ए एक्टर, तो उसके बाद जस्ट काफ़ी एड और सीरियल्स वगैरह किया और काफ़ी बाद हमारा फिर वापस मिलना हुआ. और फिर एज ए आर्टिस्ट मैं क्या कर पाऊँगी मुझे नहीं पता, पर मुझे इनके साथ मिलकर कुछ प्रोड्यूस करने का मौका मिला वो मैं गंवाना नहीं चाहती थी. और मैं इनको बहुत सपोर्ट करती हूँ और साथ में मिलकर कर रहे हैं. इनका टॉपिक्स जो भी फर्स्ट टाइम जो हमारा वेब सीरीज का टॉपिक्स था वो एक हॉरर शो था, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है और बहुत ही अच्छा जो हम लोगों ने सोचा, जो प्रकाश जी ने चाहा वैसा खुद मतलब बहुत अच्छा शूट किया उन्होंने और हम लोग काफ़ी चैनल्स में उसको पिच कर चुके हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा. और नेक्स्ट इस वेब सीरीज़ के लिए मैं इसलिए इंटरेस्टेड हुई क्योंकि इसका भी स्टोरी बहुत हटके है और मुझे देखना था कि क्योंकि अगर आप एक छोटा छोटा स्टेप लेके ही आप आगे बढ़ सकते हैं तो ये तो सिर्फ हमारी शुरुआत है, आगे देखते हैं हम क्या करते हैं. एपिसोड की बात करें तो क्या इसमें टर्न एंड ट्विस्ट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा तो जरा. अभी फिलहाल तो आज मैं अपनी बर्थडे पार्टी करके आ रही हूँ, इस वेब सीरीज में मेरी बर्थडे पार्टी को दिखाया गया है तो मैं काफी एक्साइटेड थी नकली बर्थडे मना के. और ट्विस्ट अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने हैं कि उस लड़की की जर्नी एक नटशेल में दिखाई गई, एक नटशेल में उस लड़की की जर्नी दिखाई गई आई और एक महीने के बाद क्या हालत हुई, दो महीने के बाद क्या हालत हुई, एंड में क्या हालत हुई, तो उस नटशेल में उस पायलट को दर्शाया गया है. बाकी स्टोरी जैसे अनफोल्ड होगी सबको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या थी. पहले तो जो सब्जेक्ट है मुझे लगता है कि थ्रिलर जो है वो सभी के लिए बहुत एक्साइटिंग रहता है. मैक्सिमम जो ऑडियंस है सब चीज़ है वो लोग थ्रिलर को लेकर काफ़ी हाई ऑक्टेन रहते हैं तो उनको थ्रिलर काफ़ी अच्छा लगता है, सराहते हैं. तो ऐसे ही एक सब्जेक्ट ये भी है. प्रकाश भाई जो है बहुत क्लियर है अपने सब्जेक्ट को लेकर, एज अ राइटर एज अ डायरेक्टर काफ़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट होने की वजह से मुझे ये चीज़ समझना बहुत आसान हो गया कि सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है और मेरे लिए उसे करना बहुत आसान था. आई एम होपफुल कि चीज़ें अच्छी ही निकल कर आएंगी, बढ़िया निकल कर आएंगी. Yes. बहुत
बहुत एक्साइटेड हूँ. ये ऐसा कैरेक्टर मैंने अभी तक प्ले नहीं किया है, तो जब सर ने मुझे ये कैरेक्टर के बारे में बताया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू दैट. मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रोल था और मैं ऑनेस्टली थोड़ी सी नर्वस थी इसे करने से पहले, और मैं कल रात तक भी ऐसे था कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बट लकीली ही वॉज सो सपोर्टिंग और ही वॉज वेरी हेल्पफुल. तो मतलब मुझे हर स्टेप बाय स्टेप मुझे बता रहे थे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो डोंट लूज योर काम एंड एवरीथिंग. सो इट वेंट वेल, अच्छा जा रहा है. एक्टर का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सब डायरेक्टर का है. नहीं मैं बता नहीं, इसमें क्या होता है, अगर डायरेक्टर खुद एक्टर हो तो उसको पता होता है क्या करना है. तो ठीक है. हाँ मैंने भी नहीं, बहुत अच्छा इनपुट रहा इनका, बहुत अच्छा इनपुट रहा, मतलब एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी. क्या सीन फिल्माया जा रहा था आज, आज के बारे में बताएंगे? लोकेशन जंप्स तो बहुत सारे थे, बट मैं आपको सीन डिटेलिंग्स तो नहीं बता सकती क्योंकि कुछ मेरा जो कैरेक्टर है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ. बट यस, हम लोगों ने आज ऑलमोस्ट हाउ मेनी सीन्स वी डिड टुडे? टुडे वी डिड अराउंड 14 सीन्स. 14 सीन्स यस. और जिसमें से 8 मोंटाजेस थे. एक्चुअली थ्रिलर एक ऐसी चीज है कि अगर हम उसके बारे में थोड़ा भी बताएंगे तो स्टोरी काफी हद तक रिवील हो जाएगी, तो जो आपका जो जो सस्पेंस एलिमेंट है वो चला जाता है. तो स्टोरी के बारे में तो ना बताकर, पर हाँ काफी एक जो इमोशनल सीन थे काफी सारे कंटिन्यूटी को लेकर. लोकेशन काफी सारी इसलिए थी क्योंकि जब आप कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो लोगों को एक्साइटेड रखने के लिए आपको बहुत कुछ संभाल के दिखाना पड़ता है, देना पड़ता है, ताकि वो उससे जुड़े रहें, उन्हें एक्साइटिंग लगे, बहुत कुछ है इसके अंदर. तो इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें आज़ाद में शूट की हैं. होपफुली कल तक हम उसे कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी ही आपको उसका प्रोमो देखने के लिए मिलेगा. जी मैं सैंडी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो मान्या की काफ़ी अच्छी दोस्त है. कितने एक्साइटेड हैं, कितने आशाएं अपेक्षाएं हैं? जी मेरा फर्स्ट एवर कोई प्रोजेक्ट है, तो मैं एक बहुत ही न्यू कमर हूँ, सबसे यंग हूँ यहाँ पे, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई थिंक आई हैव बीन वर्किंग विद, मैं यहाँ पे बहुत नए लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मैं काफ़ी सीनियर लोग के साथ काम कर रही हूँ जो मुझसे बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनसे बहुत सीखने को मिल रहा है मुझे. और आई थिंक विद एवरी स्टेप दे हैव बीन टीचिंग मी सो मेनी थिंग्स और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं सब. सो इट्स लवली वर्किंग विद अ ग्रेट टीम. हाय, आई एम रितेश, रितेश शेट्टी. वेल इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं कैमरा इसका हैंडल मैं कर रहा हूँ, एंड व्हेन प्रकाश एक्चुअली केम टू मी फॉर दिस प्रोजेक्ट इट वाज एंड मैंने सबसे पहले स्क्रिप्ट जानने की कोशिश की एंड इट वाज रियली अमेजिंग, बड़ा मज़ा आया सुन के. एंड I said, done, I'm doing it. And हम basically हमारा बहुत पुराना दोस्ती है. In fact, he was an actor and an director assistant to Mr. Ravi Rai. And I used to work with Mr. Ravi Rai in camera. So that's how we had connected. And after, I guess, 15-18 साल के बाद हम we've connected and we're working together. तो बड़ा excitement था. It was really nice and बहुत मज़ा आया. And आज उसको एक्टर से प्रॉपर डायरेक्टर बनते हुए देखा मैंने, एंड ही इज फैबुलस, ही इज डन अ फैबुलस जॉब इन गेटिंग द राइट मूड आउट. बाकी हम कोशिश करें टू गेट द बेस्ट, एंड आई गेस जहाँ तक अभी तक हमने जो शूट किया इट्स कम आउट रियली नाइस, एंड मैं दिल से चाहूँगा कि आप लोग सब जरूर आके